ऑफसेट फंक्शन. ऑफसेट फंक्शन क्या होता है, सपोज मुझे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. सपोज मुझे हर एक, यहाँ पे आई हैव 195 कंट्री का डेटा, कंट्री नेम है, कंट्री कोड है, बर्थ रेट, इंटरनेट यूजर्स एंड द इनकम ग्रुप इज गिवन. सपोज आई वॉन्ट, सपोज मुझे हर 10th कंट्री का नाम एक्सट्रैक्ट करना हो. लेट्स से इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सपोज मुझे 10th कंट्री का नाम एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? ये मेरा 10th कंट्री है, उसके बाद मुझे जाना है 20th कंट्री पे, फिर मुझे 30th कंट्री का नाम एक्सट्रैक्ट करना है, एंड सो ऑन. हर 10 के गैप में, हर 10 रोज़ के गैप में मुझे वो कंट्री का नाम एक्सट्रैक्ट करना है. तो वो एक्सट्रैक्शन हम ऑफसेट फंक्शन से करते हैं. सपोज़ यहाँ पे मैंने लिया है एक एग्जाम्पल रोज़ में, आप कॉलम वाइज भी जा सकते हो. सपोज़ मुझे यहाँ से, इफ़ आई एम स्टार्टिंग एंड मुझे थर्ड कॉलम ये वाला का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, सो दैट ऑल्सो आई कैन यूज़ डू यूजिंग ऑफसेट फंक्शन. लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल एंड देन यू अंडरस्टैंड. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन एंड बहुत यूजफुल भी है. फर्स्ट आई स्टार्ट विथ राइटिंग द फंक्शन नेम विच इज़ ऑफसेट. नेक्स्ट, अब इसके आर्ग्यूमेंट्स को हम अच्छे से समझते हैं. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है रेफरेंस आर्ग्यूमेंट. रेफरेंस सेल मतलब द स्टार्टिंग पॉइंट, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम बोल रहे हैं रेफरेंस सेल. अगर मुझे, सपोज इट डिपेंड्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ दिस इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट एंड यहाँ से मुझे 10 रोज़ नीचे जाना है, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऑस्ट्रिया में पहुँचेंगे. अगर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड मुझे 10 रोज़ नीचे जाना है, तो हम यहाँ पहुँचेंगे. सो डिपेंडिंग अपॉन कैसे मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, रेफरेंस पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट. जो अगर हम अच्छे से नहीं सिलेक्ट करते, तो मेरा जो एक्सट्रैक्शन होगा डेटा का वो गलत हो जाएगा. आई वॉन्टेड एवरी 10th कंट्री, सो आई विल टेक दिस एज माई स्टार्टिंग पॉइंट, ताकि मुझे हर 10th कंट्री, यानी कि दिस इज़ माई 10th कंट्री, उसके बाद 20th कंट्री, 30th कंट्री एंड सो ऑन मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाए. एज आई हैव 195 रोज इन माई डेटा, आई हैव टेकन इट टिल 190, मतलब 190th कंट्री मुझे एक्सट्रैक्ट करना है. उसके बाद जो मेरा 200th जो मेरा सेल होगा वो ब्लैंक रहेगा, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 190 तक लिया है. स्टार्ट करते हैं ऑफसेट. फर्स्ट इज़ द रेफरेंस विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इज़ द कंट्री नेम. नाउ स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें चेंज नहीं करना, बिकॉज मैंने क्या, मुझे क्या करना है, दिस इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट, फिर मुझे 10th कंट्री एक्सट्रैक्ट करना है, फिर 20th कंट्री यहीं से, कंट्री नेम के बाद जो 20th रो है वो एक्सट्रैक्ट करना है. सो दिस रेफरेंस पॉइंट, दिस स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी द सेम. तो अगर एक वैल्यू, अगर एक सेल को मुझे सेम रखना है, सो आई विल मेक इट एब्सोल्यूट यूजिंग द शॉर्टकट FN F4. यूजिंग द शॉर्टकट FN F4 और F4, डिपेंडिंग अपॉन द लैपटॉप यू आर यूजिंग. तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट या फिर एब्सोल्यूट हो गया. आई हैव यूज द शॉर्टकट FN F4, और अकॉर्डिंग टू योर लैपटॉप्स F4 भी हो सकता है. दिस स्टार्टिंग पॉइंट आई हैव मेड इट एब्सोल्यूट. अब जो ये रोज आया आर्ग्यूमेंट, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज मुझे नीचे जाने हैं. मुझे 10 रोज नीचे जाने हैं फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पे मैंने 10 वाला सेल सिलेक्ट किया, मतलब मुझे 10 रोज नीचे जाने हैं. कितने कॉलम्स मुझे राइट जाने हैं, कितने कॉलम्स मुझे राइट जाने हैं, मुझे 0 रोज कॉलम्स राइट जाने हैं, बिकॉज मुझे यहीं इसी कॉलम से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पे 0 लिखेंगे. एंड बाकी दोनों आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सो वी आर लीविंग इट फॉर द टाइम बींग. दिस इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट कंट्री नेम, मुझे 10 रोज़ नीचे जाने हैं और 0 कॉलम्स राइट जाने हैं. एंटर, एंड मुझे मेरा आउटपुट मिल गया ऑस्ट्रिया. जब सिंपली हम इसे ड्रैग करेंगे तो क्या आया,
This is the 10th country. This is the 20th country. If we go and see, this is the 20th country. This is the 190th country name. तो मेरा सारा कंट्री नेम्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया यूजिंग द ऑफसेट फंक्शन. वापस एक बार समझते हैं. ऑफसेट फंक्शन स्टार्टिंग पॉइंट आई हैव मेड इट कॉन्स्टेंट फॉर ऑल. इफ़ यू कैन सी जब मैंने ड्रैग किया इसको, जब मैंने इसको ड्रैग किया तो मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा बिकॉज मैंने उसे एब्सोल्यूट कर दिया. उसके बाद जो नंबर ऑफ रोज हम नीचे जा रहे हैं, तो ये जब मैं ड्रैग कर रही हूँ सेल को, दिस जी फोर विल बिकम जी फाइव, विल बिकम जी फाइव. तो ये मेरा जी फाइव यानी कि 20 रोज अब वो नीचे जाएगा. कहाँ से? मेरे रेफरेंस पॉइंट यानी कि कंट्री नेम से 20 रोज वो नीचे जाएगा एंड जीरो कॉलम्स राइट जाएगा. तो आई विल गेट माई 20th कंट्री नेम. इन शॉर्ट, रेफरेंस पॉइंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सट्रैक्शन. रोज इज द नंबर ऑफ रोज जो मुझे नीचे जाना है एंड कॉलम्स इज द नंबर ऑफ कॉलम्स जो मुझे राइट जाने हैं. जनरली वॉट वी डू, वी मेक द रेफरेंस पॉइंट, वी मेक द रेफरेंस पॉइंट एज एब्सल्यूट सो दैट हम जब अपने इस फॉर्मूला, इस फंक्शन को ड्रैग करेंगे तो मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. दिस इज़ वन ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट फंक्शन. अगर आपको और भी इसमें चेंजेस लाने हैं, अगर आपको एक रो कॉलम राइट जाना है, यू कैन सिंपली पुट वन ओवर हियर. डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट यू रिक्वायर, यू कैन यूज़ दिस फंक्शन. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट सर्टन डेटा फ्रॉम आर सर्टन वैल्यूज फ्रॉम आर डेटा. थैंक यू.